हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा इस बार बीएससी थर्ड ईयर के लिए इम्यूनोलॉजी का लेक्चर लेकर आई हूँ। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे और इम्यूनोलॉजी का बेसिक स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। यह विज्ञान या बायोलॉजी की वह शाखा है जो कि इम्यून सिस्टम के अध्ययन से संबंधित है। इम्यून सिस्टम या कोई भी एक सिस्टम, किसी भी सेल्स कंबाइंड होकर टिश्यू कंबाइंड होकर ऑर्गन और फाइनली सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार इम्यून सिस्टम भी इम्यून सेल्स, इम्यून टिश्यू, इम्यून ऑर्गन्स आदि से मिलकर बना हुआ है और इन सब का अध्ययन अलॉन्ग विथ इम्यून रिस्पॉन्सेस का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इम्यूनोलॉजी में एंटीजन। एंटीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एंटी और दूसरा जिन। ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल मतलब जो हमारे शरीर का नहीं है, शरीर से के बाहर का ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करवाने में सक्षम हो, वो कहलाता है एंटीजन। ये टॉक्सिन भी हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल भी हो सकता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ आदि, और कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, धूल के कण, मिट्टी और वायरसेस आदि भी हो सकते हैं। वो सारे कण जो कि शरीर के बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं और एंटीबॉडी का निर्माण करवाने में सक्षम है, एंटीजन कहलाते हैं। दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम साधारण भाषा में प्रोटीन भी कहते हैं, जिसको हम टेक्निकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये एक प्रोटीन होते हैं जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनते हैं। ये याद रखिए, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं जो एंटीजन के लिए ही काम करते हैं। ये वाई शेप मॉलिक्यूल होते हैं और ये मेनली प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये पांच प्रकार के होते हैं, IgA, IgG, IgM, IgD और IgE। इनके नाम जो हैं अल्फ़ा, गामा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन के नाम पर पड़े हुए हैं। इसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट इज़ इम्यून रिस्पॉन्सेज। इम्यून रिस्पॉन्सेज मीन्स जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है उसके खिलाफ हमारा शरीर जब एंटीबॉडी नामक प्रोटीन का निर्माण करता है और उन दोनों का इंटरैक्शन होता है, उसे हम इम्यून रिस्पॉन्सेज कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है एंटीजन के अगेंस्ट, दैट आर कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज। इनकी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आदि। हम इसको अलग वीडियो में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो हमें मालूम होनी चाहिए वो कि हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। हिस्ट्री इम्यूनोलॉजी की बहुत पुरानी है, जो कि लगभग 430 BC से शुरू होती है। 430 BC में जब एथेंस नामक जगह पर प्लेग फैला हुआ था, तब साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो प्लेग से ठीक हो चुके रोगी थे, केवल वही रोगी प्लेग पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। तो ऐसा क्या था जिसके कारण वो सेवा कर पा रहे थे? तो वो था, उनके शरीर में एक प्रोटीन का निर्माण हुआ था जिसके कारण वो सुरक्षित थे और उन्हें अगली बार प्लेग नहीं हो सकता था। उसके बाद एक माइलस्टोन आया इम्यूनोलॉजी में, वो हुआ 1798 में एडवर्ड जेनर के द्वारा, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स, जो गाय में होता है, काउपॉक्स के से फ्लूइड लेकर उसमें से पश्चूल से एक फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को इंजेक्शन के द्वारा एक 8 साल के बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। उस बच्चे में इंजेक्ट करने के कारण उस बच्चे को काउपॉक्स जैसे सिम्टम डेवलप हुए, पर उसको आजीवन कभी भी स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुआ और इस एक्सपेरिमेंट ने ही वैक्सीनेशन की नींव रखी। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट्स को लुईस पाश्चर ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कॉलेरा के ऊपर, हैजा जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉलेरा के बैक्टीरिया को लैब में कल्चर किया और उस फ्रेश कल्चर ऑफ बैक्टीरिया को चिकन के एक सेट में इंजेक्ट किया। जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो चिकन बीमार हुए और वो मर गए। उसके बाद उन्होंने उस कल्चर को पुराना होने दिया और ओल्ड कल्चर को, पुराने कल्चर को फिर से एक सेट में इंजेक्ट किया।
जब ये पुराना कल्चर चिकन में डाला गया तब वो बीमार तो हुए पर वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए, और उनकी रिकवरी से उन्हें ये समझ में आया कि पुराने कल्चर में बीमारी करने की क्षमता कम हो गई थी। इस तरह उन्होंने फिर उन्हीं चिकन में जो कि रिकवर हुए थे उसमें उन्होंने फिर से एक फ्रेश कल्चर इंजेक्ट किया, और उन्होंने ये पाया कि जब फ्रेश कल्चर भी उनमें इंजेक्ट किया गया तब भी वो बीमारी से सुरक्षित थे, जिसके कारण उन्होंने एक हाइपोथेसिस का निर्माण किया और उसमें कहा उन्होंने कि एजिंग हैज़ वीकेंड द विरुलेंस ऑफ पैथोजन, मतलब जब कल्चर पुराना होते जाता है उसके कारण उसमें बीमारी करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, विरुलेंस मतलब बीमारी करने की क्षमता। तो इस तरीके से इस हाइपोथेसिस का निर्माण हुआ और उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी बीमारी का कोई पुराना कल्चर या एटेन्यूएटेड कल्चर किसी ऑर्गेनिज्म में डालें तो वो कल्चर उस ऑर्गेनिज्म को बीमारी से बचा सकता है, और इस तरीके के पुराने कल्चर को उन्होंने कहा वैक्सीन्स, टीका जिसको हम कहते हैं वैक्सीन्स, और यही वैक्सीन्स होती हैं जिसमें हम एक पुराना या एटेन्यूएटेड कल्चर बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और वो एंटीबॉडी कई गुना प्रोलिफरेट और डिवाइड होकर मेमोरी सेल्स का निर्माण करके उस ऑर्गेनिज्म को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यही वैक्सीन पर आजकल काम चल रहा है कि कोरोना वायरस की जब वैक्सीन बनेगी तो उसमें वीक फॉर्म ऑफ वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा जिससे कि बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकेगी, और इस तरह ये वैक्सीन जो है एक लैटिन वर्ड वैका से लिया गया है, वैका मीन्स काउ, क्योंकि जेनर ने काउपॉक्स पर वर्क किया था इसलिए उनके वर्क को सम्मान देने के लिए इसे वैका या वैक्सीन नाम दिया गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन आया वो 1890 में एमाइल वॉन बेरिंग ने किया और एस कीटा साटो ने काम किया, और इसके लिए एमाइल वॉन बेरिंग को 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने एक इम्यूनाइज्ड सीरम को नॉन इम्यूनाइज्ड एनिमल में ट्रांसफ़र किया जिससे उन्होंने देखा कि वो सीरम टॉक्सिन को डिप्थेरिया के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज़ करने में सक्षम है, और इस तरीके से उन्होंने सीरम को एंटी टॉक्सिन का नाम दिया फॉर डिप्थेरिया। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यही जो पुरानी चीज़ है इसका ही प्लाज्मा थेरेपी के रूप में आजकल उपयोग किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हुए मरीज़ों का प्लाज्मा लेकर बीमार लोगों में डाल रहे हैं और जिससे कि पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, वो ठीक हो रहे हैं। दिस इज़ द टाइप ऑफ पासिव इम्यूनिटी एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो हेयर आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, सो प्लीज़ गो थ्रू इट, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए भी। ओके, थैंक यू।